हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सिक्स सैम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 2 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लार्मर्स प्रीसेशन एंड लार्मर्स थ्योरम, जो कि एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स में एंड मैक्सिमम जो है जनरली 6 मार्क्स में जो है ये पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, लार्मर प्रीसेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट प्रीसेस करना शुरू कर देता है, जैसे कि मैकेनिकल टॉप करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और इसी प्रीसेशन को बोला जाता है लार्मर प्रीसेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा तो बड़े आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। जब लट्टू को छोड़ देते हैं घूमने के लिए, तो जब वो रुकने से पहले किस तरह से वो प्रीसेशन करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट प्रीसेस है, जिसको लार्मर प्रीसेशन बोलते हैं। और लार्मर थ्योरम हमें उस प्रीसेशन की फ्रीक्वेंसी हमें देती है, उसका एक फॉर्मूला हमें देती है, और वो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है न्यू एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 4πm। यहां पर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई एन 4 जो है वो कांस्टेंट है। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लार्मर थ्योरम, और इसी फॉर्मूले को आज हमने डराइव करना है। तो स्टूडेंट्स, ड्राइव करने के लिए आपको डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको लार्मर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, मींस इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल शेप का लिया है, क्योंकि बोहर समरफेल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, और हमने यहाँ पर ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल जो होगा इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा ये नॉर्मल। तो ये हमें, ये नॉर्मल हमें इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमें बताएगा। एल वेक्टर यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आया है ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देता है। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, जब हम इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में पुट कर देंगे, तो ये जो एल वेक्टर है ये प्रीसेस करना शुरू कर देगा लाइक दिस। इस तरह से ये प्रीसेस करना शुरू कर देगा, अगर L वेक्टर इस डायरेक्शन में प्रीसेस करना शुरू कर दिया है B वेक्टर के डायरेक्शन के अबाउट, तो मींस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो प्रीसेस करेगा इस B वेक्टर के डायरेक्शन के अबाउट। यही होता है लार्मर प्रीसेशन, और इस प्रीसेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसी को बोला जाता है लार्मर थ्योरम, और लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी इस प्रीसेशन की वो इतनी होगी, और यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन व्हाट इज लार्मर प्रीसेशन एंड स्टेट एंड प्रूव लार्मर्स थ्योरम, तो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आप बताएंगे लार्मर प्रीसेशन क्या होता है और लार्मर थ्योरम हमें क्या कहती है। व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रीसेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन सिमिलर टू द प्रीसेशन ऑफ मैकेनिकल टॉप इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लार्मर थ्योरम हमें ये कहती है कि जब आप किसी एटम को, ये है हमारा एटम का एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने यहाँ कंसिडर किया है, अगर आप उसको किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो प्रीसेस करना शुरू कर देता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट, ठीक उसी तरह से जैसे एक मैकेनिकल टॉप करता है, जैसे एक लट्टू करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इसी प्रकार के प्रीसेशन को बोलते हैं जो एटम का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो जो प्रीसेस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर, उसी प्रीसेशन को बोला जाता है लार्मर्स प्रीसेशन। दिस प्रीसेशन इज कॉल्ड लार्मर्स प्रीसेशन। अकॉर्डिंग टू लार्मर्स थ्योरम द
फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन ओमेगा एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अबाउट द फील्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी बाय 2m। तो लार्मर थ्योरम हमें कहती है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की प्रिसेशन करने की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अबाउट, वो इतनी होगी ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी बाय 2m। ये ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बी यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो ओमेगा एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई न्यू एल से, तो इक्वल टू हो जाएगा ई बी बाय 2m। तो यहाँ से अगर हम न्यू एल की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी ई बी अपॉन 2 × 4 हो जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो न्यू एल इज इक्वल टू ई बी बाय 4 पाई एम। तो इसी रिजल्ट को बोला जाता है लार्मर थ्योरम, जिसको हमने आज प्रूफ करना है इस डायग्राम की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये एल वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अबाउट इस तरह से जो है प्रिसेशन करना शुरू कर देता है। तो आपको ये एंड्स और ये एंड जो है यहाँ पर मिला देने हैं। इसके बाद की जो डेरिवेशन है और इसके बाद का जो सारे स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप कैसे लार्मर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, मींस आप कैसे प्रूफ करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्मर प्रिसेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो होती है न्यू एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 4 पाई एम। तो आप इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होंगे इसके, मैंने बहुत ही आसान स्टेप्स लेके आया हूं मैं आपके लिए प्रूफ के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले प्रूफ में हेडिंग बनाएंगे द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वलेंट टू अ करंट लूप। देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जब भी चार्ज पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ में मूव करता है तो उस लूप में करंट आता ही आता है, और वो करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये करंट किसकी वजह से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मीन्स एक चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है बेसिकली करंट लूप का काम करेगा। इसके अंदर करंट जनरेट होगा, वो करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज करंट का सिंबल होता है आई, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम का सिंबल होता है कैपिटल टी, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्यू कितना लेंगे हम, एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है ई होता है, टाइम कितना लेंगे आप कैपिटल टी लेंगे। यहाँ पर टाइम कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, उस समय को हम बोल रहे हैं, उस टाइम को हम बोल रहे हैं कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड। नाउ इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया आई इक्वल टू ई अपॉन टी को, अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट टाइम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा लेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, यहाँ पर आप वन लिखेंगे जरूर, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हमें लेना है, और जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो हमें कंसिडर करनी है। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, ये जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसको हम ऑलमोस्ट जो है सर्कुलर मान सकते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, जो कि होता है 2πr r यहाँ पर, और रेडियस है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की, स्पीड जो है यहाँ पर v है। जो कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2πr/v, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो आपको कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। यूजिंग 2 in 1 वी गेट कैपिटल आई इज इक्वल टू ई स्मॉल ई अपॉन, कैपिटल टी की वैल्यू है 2πr/v, तो v ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल आई की वैल्यू आ जाएगी EV/2πr। इतना करंट जनरेट होगा ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर करंट आ रहा है तो होगा क्या, स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरह से। करंट हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस ऑर्बिट का अपर फेज जो है, इस करंट लूप का जो अपर फेज जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो वो साउथ पोल की जनरेट करता है, और इसके नीचे वाला फेज, इसके नीचे वाला फेज होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म हो जाएगा, और मैग्नेटिक डायपोल के साथ एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण आया है अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी आइए देखते हैं।
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू एल से डिनोट करेंगे इज गिवन बाय म्यू एल. म्यू एल रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. म्यू एल इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया. ये फॉर्मूला होता है किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का. करंट इनटू एरिया, करंट हमने निकाला हुआ है ईवी अपॉन टू पाई आर. ईवी अपॉन टू पाई आर इनटू एरिया हमारा सर्कुलर ऑर्बिट का होता है पाई आर स्क्वायर. जितनी हम डेरिवेशन करेंगे हम सर्कुलर ऑर्बिट की अजम्पशन मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलिप्टिकल नहीं सर्कुलर ऑर्बिट में है. हमने वहाँ बेसिकली वहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया है, पर डेरिवेशन करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे हम एरिया लें चाहे हम सर्कमफेरेंस लें वो सब कुछ हम सर्कल का ही लेंगे. तो स्टूडेंट्स क्योंकि इससे डेरिवेशन जो है वो आसान हो जाती है, तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर बाय टू. तो स्टूडेंट्स हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ चुका है. इसके बाद की डेरिवेशन जो है वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल चुके थे जो कि इतनी निकल के आई थी म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर बाय टू. उसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, तो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि अब हमें इसे एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स कैपिटल एल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये बन जाएगा ऊपर ई, साथ में एम लगा दिया हमने, एम वी आर इसको अलग ब्रैकेट में लिखो, और टू इंटू एम. डिनोमिनेटर में भी हमने एम लगा दिया, न्यूमरेटर में भी हमने एम लगा दिया. तो एम वी आर होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम. आप जानते हैं जूनियर क्लास में हमने पढ़ा हुआ है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम के. और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल मोशन के कारण है, तो यहाँ पर ऑर्बिटल वर्ड हम बार बार लगा रहे हैं. अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा. तो L इक्वल टू एम वी आर यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एम वी आर को हम L पुट कर देंगे, तो म्यू एल का फॉर्मूला जो आ गया ई एल अपॉन टू एम आ गया. तो यहाँ से हम म्यू एल अपॉन एल का रेशो निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा ई बाय टू एम. एल को हम नीचे ले गए, तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशो आ गया. इसको हमने फोर्थ इक्वेशन दे दी, ये आगे यूज होगी हमारे रिजल्ट में, हम देखेंगे कहाँ यूज होगी. अभी इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं. देखिए स्टूडेंट जब भी किसी हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है. टॉर्क क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है. और टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगता है, टॉर्क हमेशा एल वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है. तो एल वेक्टर इधर है तो टॉर्क जो है वो इधर लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, हम जानते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा. आइए देखते हैं आप पहले इसमें क्या लिखेंगे. When an atom is placed in a magnetic field, then torque experienced by magnetic dipole is. देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है यहाँ पर डायपोल का काम कर रहा है. मैंने आपको समझाया था पहले, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट क्लॉकवाइज आएगा, अपर सरफेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, नीचे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो दो पोल डेवलप हो गए हैं, तो यहाँ पर डायपोल बन गया हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, 12th क्लास का टॉपिक है ये, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, वो लगता है म्यू बी साइन थीटा. तो म्यू की जगह म्यू एल लिखेंगे जो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का. तो टॉर्क आगे हमारे पास म्यू एल बी साइन थीटा, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, ये भी आगे यूज होगी. आगे क्या लिखेंगे आप, दिस टॉर्क कॉजेज द एंगुलर मोमेंटम टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन. इस टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है डी एल वैक्टर बाय डी टी, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है. और टॉर्क हमेशा एल वैक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है, एल वैक्टर एंड टॉर्क के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो स्टेप्स है वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर. इस सेक्शन में जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे स्टेप्स जो हैं बड़े ध्यान से बड़ी बारीकी से आपको ऑब्जर्व करने हैं. लास्ट सेक्शन में हमने यहाँ तक निकाल लिया था कि जब टॉर्क लगेगी इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ही है बेसिकली, वो कितनी लगेगी डी एल बाय डी टी, ये हमारी सिक्स इक्वेशन थी. टॉर्क लगने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा. हम मान लेते हैं कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, स्मॉल अमाउंट से एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ. पहले एल वेक्टर था, अब यहां पर पहुंच गया ये वेक्टर, थोड़ा सा चेंज हो गया यहां पर आ गया. और जो इसमें चेंज आया है ये चेंज, ये चीज ध्यान से देखिए, ये वाला चेंज जो है इसको हमने डीएल मान लिया, डीएल वेक्टर से चेंज हो गया हमारा एल वेक्टर, स्मॉल अमाउंट डीएल वेक्टर से. तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये बीच में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं. ये जो चीज है, ये जो लेंथ है ये वाली, ये डीएल वेक्टर है, चीज का आप ध्यान रखेंगे. तो ये वाला जो एंगल चेंज हुआ है, इस एंगल को हम मान लेते हैं जो स्मॉल अमाउंट से एंगल चेंज हुआ है
ये एंगल हमारा डी फाई है, और एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा था, एल वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो हमारा थीटा था, ये हमने मान लिया। अब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला बड़े ध्यान से देखिए, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसको हमने ओ मान लिया, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को हमने बी पॉइंट मान लिया। तो अगर स्टूडेंट्स यहां से लेके इसको भी हम नाम दे देते हैं, कुछ मान लीजिए हमने के दे दिया, तो के से लेके जो बी तक की वैल्यू है वो एल है, उसका मैग्नीट्यूड एल है, कैपिटल एल। तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं ओबी की वैल्यू। आप थीटा एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, तो आप यहां से ओबी की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। जो ओबी की वैल्यू निकल के आएगी, ओबी की जो लेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी एल साइन थीटा, ये निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या क्या स्टेप्स होंगे। ये डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना है आपने। हुआ क्या था, टॉर्क लगने के कारण एल वेक्टर चेंज हुआ था, ये वेक्टर यहां से यहां पर आ गया था, और डीएल अमाउंट में चेंज आया था एल वेक्टर में, तो ये डीएल है, और ओ से हमने बी को और ओ से ए को ज्वाइन कर दिया था, और जो एंगल बन रहा था बीच में वो डी फाई ले लिया। ये थीटा एंगल है एल वेक्टर के बीच में और बी वेक्टर के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हमने ओबी की वैल्यू निकाल ली एल साइन थीटा। ये सब चीजें आगे यूज होने वाली हैं, इसलिए आपको ये डायग्राम में एग्जाम में दिखा के आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे। हम जानते हैं जो स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमने फाई से डिनोट किया है, तो ओमेगा एल क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पर थीटा की जगह हमने एंगल क्या लिया है, फाई लिया है, तो ओमेगा एल हो जाएगा डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाई यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने ओमेगा एल लगाया है साथ में। तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ओमेगा एल डी टी, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स अब ट्रायंगल ओएबी में देखिए, एबी हमारी आर्क है, एंगल हमारा डी फाई है, और ओबी हमारी रेडियस है। देखिए स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही फॉर्मूला हम लगा के एक और बार डी फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। फ्रॉम ट्रायंगल ओएबी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यहां पर हमारी एबी है, ये आर्क है यहां पर एबी, और रेडियस हमारी ओबी है, और एंगल यहां पर डी फाई है। तो एंगल की जगह आप डी फाई लिख देंगे, आर्क एबी की जगह आप डीएल लिख देंगे, और रेडियस ओबी की जगह आप लिख देंगे एल साइन थीटा। तो डी फाई की वैल्यू आ गई डीएल अपॉन एल साइन थीटा, ये एट्थ इक्वेशन आ गई। तो डी फाई की वैल्यू सेवंथ इक्वेशन में भी निकली हुई है, और डी फाई की वैल्यू एट्थ इक्वेशन में भी निकली हुई है। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग सेवंथ एंड एट्थ। तो ओमेगा एल डी टी, ओमेगा एल डी टी इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल साइन थीटा आ जाएगा। तो डी टी को हम नीचे भेज देते हैं, तो ओमेगा एल की वैल्यू आ जाएगी डीएल अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा को हमने वन अपॉन में लिख दिया अलग से, और डीएल के नीचे ये वाला डी टी लगा दिया। तो डीएल अपॉन डी टी क्या है, सिक्स्थ इक्वेशन में देखिए डीएल अपॉन डी टी क्या है, टॉर्क है। तो आप साइड में मेंशन भी कर सकते हैं कि ये डीएल बाय डी टी हमने कौन सी इक्वेशन से उठाया है, सिक्स इक्वेशन से उठाया है, और डीएल बाय डी टी सिक्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टॉर्क के बराबर है। तो यहाँ पर आपने टॉर्क लिख दिया और नीचे एल साइन थीटा आ जाएगा, तो ये ओमेगा एल की वैल्यू आ गई। और टॉर्क की जो वैल्यू हमने निकाली थी फिफ्थ इक्वेशन में, वो निकाली थी म्यू एल बी साइन थीटा पिछले सेक्शंस के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ओमेगा एल विल बी इक्वल टू म्यू एल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा से एल साइन थीटा कट जाएगा, म्यू एल अपॉन एल को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, और सिंपल जो बी है हमारा अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। और म्यू एल अपॉन एल का जो रेशो है हमने फोर्थ इक्वेशन में निकाला था, वो था ई बाय टू एम। तो म्यू एल अपॉन एल की जगह हम ई बाय टू एम लिख देंगे, और ओमेगा एल का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म्स में, वो होता है टू पाई न्यू एल। तो यहाँ से न्यू एल की वैल्यू जो निकल के आएगी टू पाई को यहाँ भेज के, वो आ जाएगी न्यू एल इज इक्वल टू ई बी बाय फोर पाई एम। तो ये आ गई आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स यही है आपकी लार्मर थ्योरम, यहाँ प्रूफ होती है आपकी लार्मर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्स मार्क्स में जो है बेसिकली ये आता है। तो अगर हम यहाँ तक लिखाएंगे तो, और ये डायग्राम साथ में बना के आना पड़ेगा आपको, ये कंपलसरी है, तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक और आज की डेरिवेशन जो है वो समझ आई होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।